और भाभी जी? हाँ, और उनसे ही पूछिए कि काक कभी कभी वो ऊपर से नीचे आती हैं। भाभी जी, अगर वो ऊपर से नीचे आती होती तो भूत चुड़ैल या आत्मा हो जाती, वो ऊपर से नीचे नहीं आती। ओके, ऊपर से नीचे नहीं आती। ऐसा बिल्कुल ना आई है, हमको तो कहा लगता है कि वो हर वक्त हमारे आस पास ही है, बल्कि इया उआ से झांकती भी रहती है। और आपको पता है, आप अभी जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ भी हम उनको 4-5 बार देख चुके हैं। मम्मी, वहाँ जहाँ आप अभी गए हैं। क्या बात कर रही भाभी जी, आपकी बुआ बहुत एक्टिव हैं। और क्या लिखें? आप लिखिए कोई दिल की बात जो सिर्फ आप जानती हो, आपने वो बात किसी से ना बताई हो। बताइए क्या हुआ? अभी अभी हमको ऐसा लगा कि बुआ जी ऐसे आपके अंदर से होकर गईं। अभी जी, सर बोले बैठने को उनको, यार कितनी एक्टिव हैं। आप तो गए गए। anyway, भाभी जी, मैं क्या कह रहा था आपसे कि दिल की कोई ऐसी बात जो सिर्फ आप जानती हो, आपने वो बात किसी से ना बताई हो, वो लिखता हूँ मैं। दिल का कौन ऐसा बात? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हाँ तो भाभी जी, हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा मर्द जिसकी कोई खास अहमियत है आपकी लाइफ में। और देखिए, ऐसे ज्यादा लोगों से तो हम मिलते ना ही हैं, लेकिन टीका मल खान। अब जी, कोई बहुत ही करीबी, उस क्लोज टू यू, योर हार्ट। ढिल्लू भैया, वो रोज आते हैं ना पगार मांगने। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, कोई अड़ोसी पड़ोसी। हाय दिया, अनीता जी, वो अपने भूप सिंह मास्टर जी। भाभी जी, कोई जवान मर्द, मेल 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 मर्द। हाय दिया, तो वो है ना, वो प्रेम जी और डॉक्टर साहब। भाभी जी, कोई हैंडसम, गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट। भाभी जी, आप किसी को भूल रही हैं। हम भूल रहे हैं किसी को? यस यस। अब किसको भूल रहे हैं? हाय दिया, का कितना अच्छा याद दिलाए आप। वो तो बहुत ही शांत सुशील सभ्य आदमी है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा है, नेक है। वो अपना पीलू। अरे भाभी जी, पतंग उड़ाते हैं। भाई हमें भी ले चल अपने साथ पतंग उड़ाने। तेरी अम्मा को भेजे अब्बा के साथ। भाभी जी, पतंगी आ गया, मैं चलता हूँ, जल्दी आई पतंग उड़ाने। हाँ बस, सब्जी छौंक कर आते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे काट काट काट, लपेट 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 लपेट, मार जा लपेट। अरे पीली वाली को काट। कमिश्नर साहब। भाभी जी, आप प्लीज आइए। कैसे होना हुआ? कमिश्नर साहब, एक्चुअली हम एक कंप्लेन करने आए हैं। भाभी जी, देखिए आपके कोई गलतफहमी हो रही है, वो मैं नहीं था। सर, आपको गलत फहमी हुई है, भला हम आपके खिलाफ कंप्लेन कैसे लिखा सकते हैं? सर एक्चुअली मैं तो आपसे ये कहने आई हूँ कि आप जरा सोचिए सर, अगर आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक से एक तलवार आके आपका हाथ काट देती है और आपका हाथ कट जाता है, तो आपको कैसा महसूस होगा? वैसे ही लगेगा जैसे जैसे फिल्म शोले में ठाकुर को लगा था। देखिए कमिश्नर साहब, सोचिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए कि आपको कैसा लगेगा। मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग पर खड़े हैं, अचानक कोई रस्सी फेंकता है और आपको लद से जमीन पर गिरा देता है। अच्छा ये सोचिए कि आप घर पे आराम से बैठे हैं और अचानक से कोई आकर आपका गला दबा देता है, तो आपको कैसा लगेगा? आप कंप्लेंट लिखाने आए हैं या मेरा बीपी बढ़ाने आए हैं? बेबी, तुम पेंटर कब से बन गई? पेंटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं प्लैकार्ड बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक मुहिम छेड़ने वाली हूँ। वाह, दैट्स नाइस।
That's nice. Mohim, sounds good. क्या what's it all about? ये है क्या मुहिम? Kite flying, पतंग बाजी के खिलाफ मेरी मुहिम है. मैं चाहती हूँ कि कोई भी पतंग ना उड़ाए. What is this nonsense? पतंग ये क्या senseless बात है यार? कोई पतंग ना उड़ाए? I mean, पतंग उड़ाने से नुकसान क्या है यार? हाँ, पतंग उड़ाने से नुकसान क्या है? जो इतने मासूम पंछी आकाश में उड़ते हैं, वो जो घायल हो जाते हैं, मर जाते, उसका क्या नुकसान नहीं होता कोई? ऐसे तो हजारों बच्चे क्रिकेट खेलते वक्त घायल हो जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती, तो क्रिकेट बैन कर देना चाहिए. कितने पति रोज अपनी पत्नियों से पिटते हैं, तो क्या हमें शादी बैन कर देनी चाहिए? कितने लोग टूबेलेस से गिर के चोट खा जाते हैं, तो क्या हमें टूबेलेस बैन कर देनी चाहिए? एक अच्छे खासे स्पोर्ट की क्यों ऐसी की तैसी? ऐसा वो लोग कहेंगे, ऐसी बेतुकी दलीलें वो लोग देंगे जो तुम्हारे इस मुहिम के खिलाफ होंगे. बट बेबी आई नो यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू टेक अ स्टैंड. तुम इस आंदोलन की आग से लोगों की खुशियां जला के राख कर देना. आई मीन अपना ये पतंगे जला के राख कर दे. सीरियसली आई मीन गुड डॉग्स. यस, तुम मेरे साथ हो? नो नो, आई एम सॉरी. व्हाट? मैं तुम्हारे पीछे हूँ. I'm right behind you. किसी फिलोसोफर ने कमाल की चीज कही है कि हर एक कामयाब औरत के पीछे एक रोता हुआ मर्द खड़ा होता है. खुशियों के आंसू होते हैं उसके, टीयर्स ऑफ जॉय. सो स्वीट, मेरा बिल्कुल सो स्वीट है. सो स्वीट है. सही कर रही है, सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है. तो कितनी सच्ची और कितनी अच्छी हो, कितना ये ना, कितना वजन है तुम्हें यार, कितना वजन है तुम. वजन? क्या हुआ? वजन क्या हुआ? हाँ, अरे यार, मैं मोटी हो गई क्या? नो, मेरे गाल में फैट आ गया. नो नो, बिल्कुल नो. नो बेबी, नो 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 नो. मैं तो रोज एक्सरसाइज करती हूं. नहीं नहीं, बिल्कुल बेबी, आई नो, जस्ट हैंग ऑन. मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी बातों में कितना वजन है, तुम्हारी पर्सनैलिटी में कितना वजन है. यू हैव डेप्थ, यू नो. स्वीट है मेरा हस्बैंड ना. मैं कितनी लकी हूँ, मुझे ऐसा स्वीट हस्बैंड मिला है जो मुझे हर बात में सपोर्ट करता है. करना पड़ता है, बिकॉज़ यू नो तुम्हारे ख्यालात कितने कितने रोशन हैं. यू आर सो एंटरप्राइजिंग यार, सपोर्ट करना पड़ता है. आई हैव नो चॉइस. आई लव यू बिफोर. आई ऑलमोस्ट लव यू. मोर एंड मोर लव यू, मोर एंड मोर लव यू. ये प्लैकार्ड तुम बनाओ. ओके, क्या लिखूं उसमें? Say no to wife. I mean kite. Anguri, uth meri lado, meri shona, meri pupu, meri kuku. मरने के बाद लोग कैसन रहता है बेटा, हम वैसन ही बा. तू बता, तू कैसन बा? हम भी ठीक बा. उस दिन आप एकदम चली गई थी, हम आपसे बात भी ना आए कर पाए. कहा है ना कि हम आपसे वो पूछना भूल गए थे कि हमको ना आपके पुदीने का चटनी का बहुत याद आता है. आप वो कैसे बनाती थी? हम बहुत बहुत कोशिश किए, हमसे तो बना ही ना ही वैसा पुदीने का चटनी. हम मर गए हैं हमारी लाडो, और सालों से हमने ना चूल्हा जलाया है ना सिलवट्टा छुआ है, तो पुदीने की चटनी कैसे बनाते हैं हम भूल गए हैं. यार मैं बहुत जल्दी है, मुझे पतंग की बहुत सख्त जरूरत है यार. अबे ओ, तो ये मार्केट चांद पर थोड़ी ना लगा है, थोड़ी दूरी पे तो है, जाके ले अपनी पतंग. देख 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 देख, मैं जल्दी में हूँ, तू मेरा दोस्त नहीं है ना? नहीं हूँ. और सुन,
अगर तूने फिर से इस पतंग का नाम लिया तो दोस्ती तो क्या बेटा, मैं तुझे जानता तक नहीं हूँ। हाँ, तू एक पतंग के लिए दोस्ती तोड़ देगा अपने दोस्त से? अबे दोस्ती बचाए रखना तेरे हाथ में भी तो है। हाँ, जाके ले अपनी पतंग, दोस्ती बच जाएगी, लेकिन मैं तुझे ये वाली पतंग हरगिज हरगिज नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा इस पतंग में क्या है जो ये मुझसे बड़ी होगी बे? ये मेरे फेवरेट रंग की पतंग है, और ये रंग की पतंग बाजार में मिलती भी नहीं है। और सुनना, मेरी किरायेदारनी के दुपट्टे से काफी मिलती जुलती भी है। हाँ। तेरी बकवास कर तू बंद, इधर ला इसको। अबे क्या कर रहा है, पतंग टूट जाएगी। अरे हप्पू सिंह जी। अरे गोरी मैम, हाय। अरे हप्पू सिंह जी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे गोरी मैम, क्या नुक्कड़ पे देख लेती, हम मिल जाती। वैसे हमें बड़ी खुशी हो रही कि आपने उल्टू हमें याद करूं। बताओ क्या काम है भाई? याद तो हम भी आपको बहुत कर रहे थे, क्या कि आपसे एक जरूरी काम है। दरअसल बात ये है हप्पू सिंह जी, हमने ना पतंग उड़ाने के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। तो गोरी मैम, ऐसो पतंगन ने आपको का बिगाड़ दो? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारे आदमी पतंग के अंदर लटकते हैं, ऐसे आपके घर के अंदर झांक रहे हो। फालतू। देखा देखा आपने, सुनी इनकी बातें, कैसे एक सामान्य सी बात को इन्होंने जो है अश्लील कपड़े पहना कर यूं पेश किया। देखा आपने जो का बकवास करी तुमने। ना ना, तुम बोले का कपड़ा पहनाने से कौन अश्लील कैसे हो सकते हो? फालतू की बात कर रहा हूँ। आप तो मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं हप्पू सिंह जी? आप बताइए पतंग कहाँ उड़ती है? वहां जहाँ आप देख रहे हैं आसमान में उड़ती है ना। आसमान में और क्या उड़ता है, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचता? गोरी मैम, को ससुर उड़ते हुए आप तो ना उड़ती। आप काहे परेशान हो रही, चलन दो ना काम। हप्पू सिंह जी, आसमान में पक्षी उड़ते हैं, क्या उनकी तरफ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और हम जो है कोमल हृदय के इंसान है, इसलिए इंसानों की नहीं पक्षियों की भी परवाह करते हैं, समझे आप? देखिए हप्पू सिंह जी, दरअसल ना हमने कमिश्नर साहब से भी बात की है, उन्होंने भी कहा है और वादा किया है कि वो हमारा सपोर्ट करेंगे। हाँ, इनफैक्ट उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको मैटर दे दूं और आप पैम्फलेट छपवा कर बंटवा देंगे। और वो पैम्फलेट जो है आपको छपवा के कानपुर के चप्पे चप्पे पर लगाने हैं, लोगों को जागरूक करना, सुन रहे हैं आप? अब उसे क्या कर रहे हैं आप, सुन नहीं रहे हमारी बात, कहाँ ध्यान है आपका? लड़ गई, अरे कट गई गोरी मैम, ढील दे, कट जाएगी सारी। हमें लगता है कमिश्नर साहब से कहकर इनके पेश लड़वाने पड़ेंगे, वही इनकी पतंग काटेंगे, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। यार तू फालतू की बात, एक सेकंड गोरी मैम, आप दो मिनट रुक जाओ, आपसे अब हम बात कर रही। कट गई कट गई कट गई कट गई, अरे अरे का करेंगे पतंगबाजी करके? हाँ, पता नहीं हमरा पिछला चिट्ठी मिला भी है कि ना ही मंजू बुआ को। चिट्ठी मिली होगी भाभी जी, मिली होगी, क्यों नहीं मिली होगी? ऐसे फॉर्मूला हमेशा वर्क करते हैं भाभी जी। हमको ना ही पता, पर आपको एक तो बात बताएं, हमको कल का लगा कि मंजू बुआ ना हमसे मिलने आई रही, बहुत सारी बातें किए हम, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी हमरे साथ। हाँ, उसके बाद हम उनसे पूछे भी कि का बुआ जी आपको हमरा चिट्ठी मिला, और उते में लड्डू के भैया आए और हमको डस्टबिन कर दिए। डस्टबिन तो खुद वो हैं भाभी जी, डिस्टर्ब कर दिया होगा उन्होंने आपको। सही पकड़े हैं भाभी जी, नेवर माइंड, अगर चिट्ठी नहीं मिली है तो एक और कोशिश करते हैं भाभी जी। व्हाट्स रॉन्ग इन इट, मुझे तो बड़ा मजा आया था आपके साथ, मुझे अच्छा लगा भाभी जी कि मैं आपके किसी काम आ सका, यू नो। पता ना है इधर आइए सर, इधर आइए, बीच में आइए। हाँ, थैंक यू भैया।
इडियट्स। भाभी जी तो फिर चले पतंग उड़ाने, क्या बोलती हैं? देखिए प्रभुति जी, जब तक मंजू बुआ का जवाब ना ही आता ना, हम पता नहीं देखते हैं। आपके पैरों में देखिए, गिर के ये आपके पैरों के चरण स्पर्श करना चाह रही है। आप का बोलते ना, हमरे कछु ना ही समझ आता है। ओए पतंग पर कछु लिखा है, प्यारी अंगूरी, मेरी किशमिश, मेरी खजूर, हम आ गए हैं बड़ी दूर, पर अभी तेरी याद आती है, चिट्ठी मिली और मैं रोक ना पाई जवाब देने से, तुम्हारी मंजू बुआ। आई दिया मंजू बुआ का जवाब, वो खुद ही अपने हाथ से लिखकर चिट्ठी भेजी है हमको। हम आपको बोले थे ना, बोले थे हम आपको कि वो हमसे बहुत प्यार करती है, वो हमको जवाब जरूर देंगी। हम ये बात ले चुके भैया को भी बोले थे, लेकिन वो मान ही ना ही रहे थे, बहुत डाइपर हो रहे थे। अबे जी वो हाइपर होता है। सही पकड़े हैं। कैसे हो सकता है? आका बोले अबे जी, मुझे लगता है हमें कोई उल्लू बना रहा है। उसने ये पतंग वाली चिट्ठी पढ़ ली है और वो हमारे साथ खेल खेल रहा है, उसका जवाब दे के। आई थिंक कोई बेवकूफ बना रहा है हमें। Somebody's playing games with us. और ना ही ऐसा कछु नहीं है, ये हमरे बुआ जी का ही लिखावट है। अभी जी आपके पास अपनी बुआ की कोई चिट्ठी विट्ठी है क्या? दो चिट्ठियां रखी हैं और हमको पता है कि ये उन्हीं का लिखावट है। दिखाइए जरा। उड़ती फिरू मस्त गगन में। जी हमारा ना घूमना सफल हो गया। हाँ भाभी जी, वाकई आपके साथ असीम आनंद की प्राप्ति हुई, एकदम मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मजा आने वाली क्या बात है तिवारी जी, इतना सीरियस इशू है ये। नहीं भाभी जी, मतलब पंछियों को देख के मजा आ गया ना, और उनको भी कितना मजा आया, कितना आनंद हुआ होगा कि दो प्रेमी, मतलब दो दो इंसान उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, है ना भाभी जी। तिवारी जी आप भी ना। हाँ भाभी जी हम भी ना। अरे पंछियों को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं भाभी जी, जैसे जैसे देखिए, हम अपना दिल हथेली पर लेकर चलते हैं और ये दिल हमेशा किसी ना किसी के लिए धड़कता है, मतलब अंगूरी के लिए, तो ऐसे ही पंछियों का भी दिल होता है भाभी जी, और वो इस दिल से बस दुआएं देते चले जाते हैं, दुआएं देते चले जाते हैं। वैनिला फ्लेवर। आपकी आशीर्वाद से हम और लड्डू के भैया यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है, और आपकी कुशलता की कामना हम ईश्वर से करते हैं। भाभी जी, भाभी जी, हम पतंग पे एक मैसेज लिख के भेज रहे हैं, कोई किताब नहीं लिख रहे पतंग पे। ठीक बा, लेकिन कम से कम ना प्रणाम लिख दीजिए। हाँ, और ना ही तो कहा है ना, बुआ जी को लगेगा कि हम स्वर्ग का सिदार गए, अंगूरी तो सब संस्कार ही भूल गई है। ओके ओके ओके, लिखता हूँ बुआ जी प्रणाम। आगे लिखता हूँ कि हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप ऊपर से जवाब दे रही हैं, हम जानना चाहते हैं कि ये कोई शरारत तो नहीं है। अभी ये बताइए कोई ऐसी बात बुआ जी के बारे में जो सिर्फ आप जानती हूँ। सिर्फ हम? यस। ऐसा क्या बात था? हाँ, हमको याद आया, हमरी बुआ जी को ना शेर बहुत पसंद थे, शेर, वो बहुत शेर मारती थी। लुक बेबी, I'm sorry, okay? I'm really sorry. देखो गलती इंसान से होती है, और मैं तो बहुत ही तुच्छ किस्म का इंसान। बात ही नहीं करनी तुमसे। बेबी, बेबी मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था, मैं तो भाभी जी की मदद कर रहा था, बस just trying to help her out. मैंने तुम्हें अपनी आंखों से पतंग उड़ाते हुए देखा, तुम्हारे हाथ में मांझा था। कमाल, बहुत ही कच्ची दिली ले यार ये। अब सपोज भाभी जी कहीं से गिर रही हूँ, फिसल रही हूँ, मैं जाके थाम लूँ उनको और उनका हाथ मेरे हाथ में आ जाए, तुम क्या कहोगे देख के कि मेरा उनसे चक्कर चल रहा है? आई एम हैविंग एन अफेयर विद हर। ओके फाइन, दैट वाज अ बैड एग्जांपल, बुरा एग्जांपल था, लेकिन फिर भी बात तो समझने की कोशिश करो यार, फॉर गॉड्स सेक्स। मुझे कुछ नहीं समझना, तुम्हें पता है मैं कितनी हर्ट हुई हूँ,
कितनी शर्मिंदा हुई हूँ मैं। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम मेरे साथ खड़े होते हो। बेबी मैं खड़ा रहता हूँ यार, मैं खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहूंगा यार। तुम खड़े थे अंगूरी जी के साथ बालकनी में पतंग उड़ाते हुए। तुम्हें पता है मैं कितनी हर्ट हुई हूँ, कितनी शर्मिंदा हुई हूँ मैं। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम मेरे साथ खड़े होते हो। बेबी मैं खड़ा रहता हूँ यार, मैं खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहूंगा यार। तुम खड़े थे अंगूरी जी के साथ बालकनी में पतंग उड़ाते हुए। वो मैं नहीं खड़ा था, वो एक मजबूर आदमी खड़ा था यार। I was just trying to help her out, you know. भाभी जी का एक सपना था कि पतंग उड़ाएं। उस मासूम औरत की सोच है कि पतंग में जो मैसेज लेके वो ऊपर उड़ाएंगी ना, वो भगवान तक पहुंच जाएगा, भगवान उनका रिप्लाई देगा। I mean, she's so dumb, for God's sakes, but I had to support her. और इस सब के बीच अगर किसी पक्षी को चोट लग जाती तो? No, baby, what are you talking? मैं बहुत ही केयरफुल उड़ा रहा था और मैं नीचे से विजिल कर रहा था। हटो भाई, हटो भाई, पतंग उड़ रही है। I was just, was very careful. सेना बस बातें बनवा लो, यू आर सो इम्पॉसिबल। सो बेबी नाउ आई एम सॉरी, ओके, मैं वादा करता हूँ अभी मिस्टेक दोबारा नहीं होगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगर दोबारा ये गलती हो तो तुम मुझे मेरे पैर में मांझा बांध के उड़ा देना। ठीक, वेरी गुड आइडिया। एक्चुअली मैं ना मांझा भी नहीं बांधूंगी। अंगूरी, अंगूरी, ओ हमरी लाडो। मोटा मोटी तौर पर ठीक ही बा हमरी लाडो। आई दिया मोटा मोटा तौर पर काहे ठीक बा? वो का है ना हमरी लाडो कि पूरी रात एक पीपल के पेड़ पे उल्टा लटकने की हमारी ड्यूटी लग गई थी, इसी वजह से हमारी कमर थोड़ी सी अकड़ गई है। ये तो बहुत खतरनाक ड्यूटी है। आप रुकिए, हाँ बाम लाकर थोड़ा मालिश कर देते हैं। अरे कहाँ जा रही है हमारी लाडो, बैठ ना हमसे बात करना। अरे क्या करते हैं आप, हर बार कायम ही बुआ जी के ऊपर बैठ जाते हैं। वो चली गई, देखिए हम अंगूर। तुम काहे बार बार अपनी बुआ जी को न्योता दे देती हो, उनके चक्कर में हम तीन दिन से सो नहीं पा रहे। रात को लघु शंका के लिए जाना होता तो इस डर से नहीं जा पाते कि बाथरूम में भी घुसी ना हो। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हुए बख्शे दो पगली, मत करो ऐसा। हाय दिया, आप काहे इतना तानसेन लेते हैं, हम आपको बोल तो रहे हैं कि कछु नाई होगा। हमारी बुआ जी बहुत अच्छे दिल की है, वो आपको कछु नाई करेंगी। अच्छा चलो, अभी अभी चलो सो जाओ, आओ। लेकिन हम बहुत नाराज हैं आपसे, आप काहे ऐसा करते हैं, हमारी बुआ जी को बार बार भगा देते हैं। चलो सो जाओ आराम से, चलो जाओ। अरे यार इतनी रात को किसका फोन आ गया? हेलो कौन? हम कना पहचाने जवाई बाबू, हम मंजू बुआ बोल रहे हैं। मंजू बुआ, क्या बोल रही है? हम मंजू बुआ का कॉल है, हमको दीजिए ना। मंजू बुआ का है? हाँ, ऐसे तो पकड़ में नहीं आते तुम, तो हमने समझा कि इस वक्त फोन करके तुम्हें पकड़ लेंगे। आ रहे हैं हम तुम्हें अपने साथ ले जाने हैं। नहीं नहीं मंजू बुआ, नहीं आप आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्या बोल रही हैं? काहे नहीं कर सकते, बहुत हो गया तुम्हारा, खुद तो आने से रहे, तो अब हम खुद ही लेके जाएंगे तुमको।
नहीं नहीं मंजू, आपको आने की जरूरत नहीं है। हम आपकी हम आपके बेटी को रानी बना के रखेंगे, समय समय पर आपका श्राद्ध भी करते रहेंगे। हैं, ये क्या बकवास कर रहे दामाद बाबू? तुम जो भी बोलो हम साथ लेकर ही जाएंगे, तुम्हारे बिना बंटी का मुंडन कैसे होगा? मुंडन? कौन बंटी? किसका मुंडन? अरे पपुआ का बंटी, तुम नवीन ही बोल रहे हो ना? क्या बोली बुआ जी? सुन जाओ। अरे भाग्यवान आ जाओ, पराठे तैयार हैं। अब गुस्सा थूक भी दो, आओ खाना खा लो। मासी नमस्ते। अरे नमस्ते। अरे, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आप वो मास्टर जी आपसे कुछ पूछने आए। इतनी रात को सुबह पूछ लेना। माँ साहब अगर अभी नहीं पूछो ना सवाल तो सुबह फिर पूछने की जरूरत ही ना पड़ेगी। अरे ऐसी क्या बात हो गई भाई? आप मास्टर जी दरअसल बात यह है कि मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त बुरी तरह से फंस जाए, मतलब बहुत ही बुरी तरह से फंस जाए, मतलब इतनी बुरी तरह से फंस जाए कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से फंस जाए आपका दोस्त, तो फिर आप? अरे भाई आगे भी कुछ बोल ले, बीवी भूखी है उसे पराठे खिलाने। मां साहब वो तो नहीं खिला पाओगे, और कुछ बना लो। क्यों? ये तो बकवास करने की आदत है। मां साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मैं क्या? अरे भाई दोस्त जब मुसीबत में होगा तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब चोरी भी? अब कोई और तरीका नहीं होगा उसे बचाने का, तो चोरी भी कर सकते हैं। देख मलखान में कह रहा था ना तुझसे, हम जो करने जा रहे हैं बिल्कुल गलत ना है। बहुत बहुत शुक्रिया मां साहब, आपने हमारे सवाल का जवाब दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो नमस्ते मां साहब। अरे अरे सुनो, संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? दूसरा गाना सुनाओ। गुमनाम है कोई? अरे नहीं, ये गाना सुन सुन के मेरे कान पक गए। उस कब्र में मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी। मेरी? तेरी नहीं, मेरी। यही गाना सुना के वो मुझे बुला दी। तो सुनाता हूँ। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह जब जमा हो तीनों आमार। अकबर एंथनी। ठीक है हम आ गए। अंकल जी जे रहे आपके मूली के पराम थे। खुशबू से ही मेरा पेट भर रहा है, बरसों हुए इसे खा के, मुझे खिलाओ। मैं खिलाऊं? हाँ खिलाओ। मलखान जे चचा मूली के पराठे खा के ना कब्रिस्तान का एटमॉस्फेयर खराब कर देगा। सही कह रहे हो यार, जे अंकल ना सारे सोए मुर्दों को जगा देगा यार। अंकल जी हम अपने दोस्त टीका को ले जाएगा? क्यों, ये यहाँ बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ना 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 चचा ऐसी कोई तकलीफ ना। दरअसल बात यह है कि टीका घर जाएगा, खाएगा, नहाएगा, सोएगा, अपनी जीएफ विक्की से मिलेगा, है कि नहीं? तो बस यहाँ बैठे बैठे थक गया होगा, घर जाने दो ना, तरस खाना हाँ। इस पे और डिकोस्टा अंकल जी अब वैसे भी जे ना तो आपको खाने लायक है और ना जा खेलने लायक है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।